आजकल आपको पता ही है, सब्जियों पे जोर है, और एग्जॉटिक सब्जियों पे जोर नहीं है, अपने घर की सब्जियों पे जोर है। और घर की सब्जियों की अगर बात करें तो एक सब्जी जो बेचारी हर जगह चुपचाप अपना काम करती है, उसे कोई नहीं पूछता, वो है आलू। है चुपचाप कहीं पे डाल दो, पनीर के साथ डाल दो, मटर के साथ डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, लेकिन अपने आप में बड़ी टेस्टी सब्जियां बनती हैं आलू की। जैसे ये इटालियन स्टाइल चटपटे आलू, म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ कि भाई बनना है तो आलू बनो, हैं? कहीं पर भी फिट हो जाता है बेचारा, कुछ नहीं बोलता, हैं? तो खाने से कितनी सारी सीखें मिलती हैं। देखिए, एक सीख ये भी है कि आलू बनिए। अच्छा, बहुत ही बेसिक प्रेपरेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए जिंजर, ठीक है, गार्लिक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, क्रश किया हुआ धनिया और थोड़े बहुत मसाले चाहिए, और ताज़ा पुदीना या ताज़ा बेसिल चाहिए। अगर आपके पास बेसिल है, एकदम बढ़िया सा फ्रेश बेसिल है, तो बेसिल डाल लीजिए। बारीक चॉप गार्लिक। भाई मैंने कहा यार, सूखे आलू हम लोग बनाते हैं, सूखे आलू में अगर इटालियन तड़का देना तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस वही जुगाड़ किया मैंने। डाल लो जी, मिर्ची भी डाल लो, ले है, कमाल है। मिर्च, आलू और टमाटर तीन ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत लेट आए हिंदुस्तान में, लगभग 170 साल पहले आए, और एक ऐसे देश में जिसका इतिहास जो है वो 10-12 हज़ार साल पुराना रिकॉर्डेड इतिहास है, उसमें आप इतना लेट आके इतनी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएं, ये कमाल इसलिए हुआ है बिकॉज आलू से पहले कंद इस्तेमाल होते थे, और कंद में कई बार गले में लगने की प्रॉब्लम होती थी, या फिर कई बार हार्शनेस होती थी, या कंद बड़े बड़े आते थे, मैनेज करना मुश्किल होता। तो आलू क्या था, आलू बिकेम द बाइट साइज सोर्स ऑफ स्टार्च, और दूसरा आलू की जो क्रीमीनेस थी ना, वो हर कंद में नहीं आती थी, एंड दैट क्रीमीनेस इज व्हाट लेड पोटैटो टू मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस टुडे, चाहे वो आलू टिक्की हो, बाहर का क्रस्ट अंदर की क्रीमीनेस, दैट्स द प्ले, या वो पराठा हो, बाहर का क्रस्ट अंदर की क्रीमिनेस, दैट्स द प्ले। सो द क्रीमिनेस दैट द पोटैटो गिव्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इट बिकेम सो पॉपुलर सो फास्ट इन इंडिया। ताजगी के लिए हरी मिर्च, जिंजर और मिंट या बेजिल का यूज है जी, ये लो जी, ठीक है ना, फिर सिंपल इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस है। अब ऑयल या ऑलिव ऑयल, ठीक है जी, ऑलिव ऑयल अगर यूज़ करें तो प्योर ऑलिव ऑयल यूज़ करिएगा, एक्स्ट्रा वर्जन नहीं। अभी आमतौर पर अगर आप जीरा आलू बना रहे होते तो आप क्या करते, आप सबसे पहले जीरा डालते, बस मैं वो जीरा नहीं डालूंगा। तो सबसे पहले ये जो भी मामला चॉप किया है ना, ये सारा मामला डाल दीजिए। हेलो जी, पोटैटो या पोटैटो, और आलू डालने के साथ ही ना बाकी के मसाले भी डाल दीजिए, समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चिली फ्लेक्स, थोड़ा ऑरिगैनो अभी, थोड़ा बाद में, ये क्रश किया हुआ धनिया लाइटली टोस्टेड, ठीक है, नमक, हल्की सी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं है, वरना लोग बोलेंगे बोलने चला था इटालियन पोटैटो बना दिए वही थोड़ी सी हल्दी, आह अब ये जो बेबी पोटैटो है ना, इसका मज़ा जो है वो ऐसे ही छिलके के साथ, नो छिलका नो फन, हल्का सा पानी का छींटा, बस छींटा ही मारना है आलू पकाने के लिए, और दूसरा वो जो मसाले हैं ना, उनका फ्लेवर जो है वो बराबर से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और लगाओ ढक्कन। सूखे आलू की जो सब्ज़ी है ना, वो मैं हमेशा बनवाता हूँ, हमेशा
कभी भी किसी का फूड ट्रायल लेता हूँ तो उसको बोलता हूँ भाई दाल तड़का बना के दिखाओ और सूखे आलू बना के दिखाओ। और उसका कारण ये है कि इसमें क्योंकि गिनती के इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं इसलिए आपकी छोटी सी गलती भी दिखती है। कॉम्प्लिकेटेड डिशेज़ में आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, बड़े सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, यू नो इट्स ईजी टू कन्फ्यूज़ पीपल। बट किसी का भी खाना समझना हो या अगर आपको किसी को भी अपने खाने से इंप्रेस करना हो दाल तड़का और अच्छे सूखे आलू सीख लीजिए। दूसरा, सूखे आलू का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तड़के में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा डिश में। जैसे यहाँ पे ऑरिगेनो डाला है और बाद में बेजिल या अगर मिंट डालेंगे आप तो आपको कुछ तो सूखा आलू याद आएगा जो आप खाते हैं, लेकिन एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज भी मिलेगा और वो सिंपल डिशेज में ईजी है ना। अब ये जो मिंट है ना इसको 90 सेकंड के लिए ऐसे फैला के माइक्रो कर लीजिए और उसके बाद पाउडर कर लीजिए, या तो आप वैसे भी डाल सकते हैं या आप ताज़ा मिंट डाल सकते हैं। ईदर वेज सब्जी में टेस्ट ही आएगा जी। माइक्रो करके ड्राई मिंट पाउडर बनाने का तरीका बहुत अच्छा है जी। माइक्रो का मैं आम तौर पे कभी माइक्रो की इतनी तारीफ़ नहीं करता और ना ही इतना इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन चीज़ों को ड्राई करने का शॉर्टकट जो है ना बड़ा अच्छा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में मेथी को ड्राई कर लीजिए, ड्राई मेथी पाउडर बना लीजिए, मिंट को ड्राई कर लीजिए, कड़ी पत्ते को ड्राई कर लीजिए, धनिया को ड्राई कर लीजिए, बेस्ट कलर रहता है। मतलब उससे ज़्यादा ग्रीन पाउडर्ड मिंट मैंने नहीं देखा और ना ही बनाया है। ओह टू गुड, थोड़ा ड्राई ऑरिगैनो, ओए होए मज़ा ही आ गया ये। थोड़ा नींबू चटकारा चाहिए ना, तो इनका नाम होना चाहिए चटपटे इटालियन आलू। अच्छा नाम है ना। चलो जी नाम फ्रीज हो गया, नोट टू एडिटर प्लीज़ इसका नाम रखें चटपटे इटालियन आलू। हम ऐसे ही कर लेते हैं जी, हम रेसिपी बनाते बनाते नाम डिसाइड कर लेते हैं, रेसिपी बनाते बनाते एडिटर से बात भी कर लेते हैं। Nice. वाह जी वाह, आलू छील भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो कि रणवीर ने बोला है कि उसको छिलके वाले आलू पसंद हैं तो छिलके वाले यूज़ करने हैं। बेबी पोटैटो वैसे छिलके के स्वाद होते हैं, वैसे मत छीलिएगा। चलिए छील भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, खाना जो है हमारी जागीर है, हमारी जॉइंट जागीर है ना, आपका मन करे छील लीजिएगा। क्या बात है बताइए। अब सिंपल चीज़ें जो है ना उनका जो जलवा है ना वो डिफरेंट होता है, और इस तरह हमारे सामने जलवा फरोश हुए इटालियन चटपटे आलू। और आप भी अपने किचन में जाके जलवा फरोश हो जाइए हैं और जलवा दिखाइए। डन, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।